हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा लक्ष्मी गार्डन से आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्लांट से मिलाने जा रही हूँ। आप देख रहे होंगे क्या फ्लावरिंग ये इसमें हुई है, और ये जो फ्लावरिंग हुई है बंचेस से, देखिए कितने बढ़िया से इसमें फ्लावरिंग हुई है। ये प्लांट का नाम मैं अभी आपको बताऊँगी और किस तरीके से मैंने इसको लगाया है, कैसे बड़ा हुआ है, कहाँ से मैं लाई थी, मैं सब इसको इसके बारे में बताऊँगी। अगर जो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे लिंक को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि ये प्लांट हमारा, इसका नाम गोरी चोरी है। गोरी चोरी नाम का हमारा प्लांट ये हमारे घर पे लगा हुआ है गेट पे, तो बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल इसकी बहुत बढ़िया बढ़िया से फ्लावरिंग होती है, बहुत गुच्छे में फ्लावरिंग होती है। आप देखिए कितना बढ़िया सा गुच्छा लगा हुआ है, और ये हमारा अपना खुद का लगाया हुआ, मैंने कटिंग से इसको ग्रो किया है। बरसात में आप कोई भी कटिंग लगा दें, कोई भी प्लांट की कटिंग लगा देती हैं तो बहुत अच्छे से कटिंग चलती है। उसके बाद में जब आपका आपकी कटिंग मैच्योर हो जाती है, आपकी कटिंग बड़ी हो जाती है जब, तो आप दूसरे गमले में आप ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से कटिंग लगाई जाती है, उसके बाद में कैसे उसको दूसरे गमले में लगाई जाती है, फिर लास्ट में जब हमारा फाइनली बहुत बड़ा सा प्लांट हो जाता है। तो मैंने देखिए 15 इंच के गमले में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है और दो तीन स्टेम निकली, सब में इसमें देखिए बड्स लगी हुई हैं, और ये बर्ड्स देखिए कितनी बढ़िया सी लगी हुई हैं और फ्लावरिंग करने लगा है। क्योंकि ये हमारा गोरी चोरी का जो प्लांट है हर समय फ्लावरिंग करता है, बस एक दो महीने में फ्लावरिंग नहीं करता, बाकी हर समय जाड़ों के सीजन में तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, उधर मार्च अप्रैल में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करता है। और ये जब ये देखिए ब्रांच, जब अभी मैं 2-4 दिन के लिए बाहर चली गई थी तो अपने पौधों को देख नहीं पाई, और तब इसमें बड़ लगी हुई थी। जब मैं लौट के आई तब देखी, मैंने देखा कि इसमें ब्रांचों में फ्लावर्स खिले हैं, और बहुत ज़्यादा एक ब्रांच में फ्लावर खिले हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो दिखाती हूँ आपको और किस तरीके से मैंने इसको लगाया था। मैंने बरसात के सीज़न में, मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो हमारा मदर प्लांट है उसको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से वीडियो बना रही हूँ छत के ऊपर से, और हमारा नीचे लगा हुआ है तो मैं ऊपर से ही आपको दिखाती हूँ। प्लांट लगा हुआ है मेरे गेट के पास और आपको दिख रहा होगा हमारे गेट के पास, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरती से हमारा ये गेट के बिल्कुल पास लगा हुआ है, और कितने ब्रांचेस में किनारे किनारे से निकली हुई हैं, और सब ऐसी कोई ब्रांच नहीं जिसमें फ्लावरिंग ना हुई हो। तब मैंने सोचा कि लाइए इस प्लांट से मैं दूसरा प्लांट बनाती हूँ, और मैंने प्लांट गमले में लगाया इसको, उसी का मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, और आशा है मेरा आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसको मैंने कटिंग से लगाया था इस गमले में, और कितनी खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है। ऐसा है, ऐसे आप लोग भी गोरी चोरी नाम का प्लांट है, गोरी चोरी आप अपने घर पे गेट पे लगा सकती हैं या गमले में लगा सकती हैं, बहुत ही खूबसूरती से चलता है और हर समय फ्लावरिंग करता है, गुच्छे से इसमें फ्लावर आते हैं। तो गुच्छे से फ्लावर आते हैं तो लगता है कि बिल्कुल खिला हुआ है गुलदस्ते जैसा, बहुत ही सुंदर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल लगता है कि गुलदस्ता है। और इसमें खुशबू वगैरह कुछ नहीं होती है, लेकिन बस फ्लावर खिलता है, इसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती, और फ्लावर इसके टिकाऊ रहते हैं, आज जैसे खिले तो 2-3 दिन इसे खिलते रहते हैं। और इसमें बर्ड्स जो लगी हैं फ्लावरिंग जो जब होती है तो ये वाले फ्लावर झड़ जाते हैं, ऊपर से फिर खिलने लगते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में बर्ड्स लगती हैं, बहुत ज़्यादा पूरे ब्रांच इसमें भरी होती हैं, और इसकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये पौधा अपने आप में बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो हम अपने घर में लगाते हैं, लेकिन कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो परमानेंट हमको फ्लावरिंग देते हैं, पूरा गेट हमारा खूबसूरती से खूबसूरत लगता है। और इसमें इसकी मिट्टी में कोई ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, मिट्टी में बस केवल इसमें इसमें काउडंग और गोबर की सड़ी खाद और मिट्टी में लगा दिया था मैंने, और जब इसमें ट्रांसफ़र किया तो इसमें थोड़ी सी DAP डाल दी। DAP डालने के बाद में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई, और मैंने रिजल्ट देखा, क्या खूबसूरत फ्लावर इसमें खिलने लगे हैं। और ऐसे ही आप अपने घर में इसको इस पौधे को लगाएं और खूबसूरती से इसकी फ्लावरिंग देखें। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारी लिंक को शेयर करिएगा, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि कैसा मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया।